हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद कचहरी परिसर जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, जिस पर उनकी मांगे थी कि हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद और मजार को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, जो कि एक सरकारी कार्यालय है। ऐसे सरकारी कार्यालय में पुलिस प्रशासन पर वहां के स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया, जो कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार से अलग होकर हम सब की सुरक्षा करते हैं, और हम सब की रक्षा करने वाले ऐसे रक्षकों पर आकर कोई पथराव करता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के द्वारा किया कृत्य तो राजद्रोह के अंतर्गत आता है, और ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार की संवेदनाएं या सहानुभूति नहीं दिखाई देनी चाहिए। मनोज व्यास मेरा नाम है, और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का क्षेत्र का महामंत्री हूँ। आज हम एक ज्ञापन देने आए हैं। 8 तारीख को जिस प्रकार से हल्द्वानी के अंदर सरकारी मशीनरी अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, और जिस प्रकार का वहाँ पर एक वर्ग विशेष के द्वारा, क्योंकि एक मस्जिद को और एक मदरसे को जो अतिक्रमण यानी कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे, उनको ढाने गई थी, और जिस प्रकार से वहाँ पर नंगा नाच हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ आगजनी की गई है, जिस प्रकार से वहाँ पत्थरबाजी की गई है, जिस प्रकार का वहाँ वातावरण बना है, ये याद दिलाता है कि हम लोग 1947 से पहले किन परिस्थितियों में रहते थे। ये वही हस्ती हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू समाज पर अत्याचार किया था। ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर मंदिरों को तोड़ा था, और मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर अपने धार्मिक स्थल और चिन्ह बनाए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में इस देश के साथ ना रहकर पाकिस्तान जैसे देश को बनाया और इस देश को खंडित किया। आज वो फिर शक्तियाँ एक बार फिर बलबलाने लगी हैं, इस देश को खंडित करने लगी हैं, और ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले। जिन जिन लोगों ने वहाँ पर पथराव किया है, जिन जिन लोगों ने वहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को तोड़ा है, जिस प्रकार वहाँ के लोगों ने प्रशासन की गाड़ियों को ही नहीं आगजनी की है, उन सब लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले। क्योंकि पुलिस प्रशासन पर किसी भी प्रकार की कोई समाज के ऊपर से अगर किसी प्रकार का जो पथराव होता है, आगजनी होती है, गाड़ी फोकी जाती है, सरकारी काम में बाधा बनने का जिन लोगों ने प्रयास किया है, उन सब पर राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा दायर करके उन्हें